गोरेला थाना प्रभारी युवराज तिवारी ने मुखबिर की सूचना पर अपनी टीम के साथ करियाम आरटीओ बैरियर पर सीमेंट डस्ट से भरे ट्रक की जांच कर 4,16,00,000 कीमत का 230 किलो गांजा जब्त किया है। पेंड्रा थाना प्रभारी ने सफेद रंग की होंडा कार से 40 लाख रुपए कीमत का 200 किलो गांजा तथा मरवाही थाना प्रभारी ने टाटा सुमो से गांजे का परिवहन करते 6 आरोपियों से 10 किलो गांजा जब्त किया। नगरनर थाना अंतर्गत सेमरा के पास सोमवार को एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे ईंट भट्टे से टकरा गई। इस हादसे में कार में सवार दोनों युवकों की मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को मेकाज भिजवाया गया। सूरजपुर जिले के आस्था का केंद्र मां बागेश्वरी कुंदरगढ़ धाम में नवरात्र के अलावा साल भर माता के दर्शन करने श्रद्धालु पहुंचते रहते हैं। कोरिया जिले से पहुंचे बंसोड़ जाति के लोगों के बीच आपस में विवाद हो गया। विवाद मारपीट से तब्दील हो गया और लाठी डंडे से एक दूसरे पर हमला शुरू कर दिया गया। इस बीच समझाइश देने पहुंचे श्रद्धालुओं की हमले में मौत हो गई। बिलासपुर के मस्तूरी थाना क्षेत्र में तार से गला घोटकर बहू की हत्या करने वाले पति, सास और ससुर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल बहू की मौत को ससुराल वालों ने पहले पुलिस से फांसी लगाकर आत्महत्या करने की झूठी कहानी बताई थी। 2 माह बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर हत्या का राज का खुलासा हुआ। रायपुर की खमतराई पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रतनदीप खरे उर्फ सानू, ओम प्रकाश साहू उर्फ ओमकार एवं रोशन अग्रवाल नामक संदिग्ध बाइक सवार युवकों को पकड़कर उनके पास रखे बैग की तलाशी लेकर बैग में 3 किलो 150 ग्राम गांजा तस्करी करते हुए प्रयुक्त मोटरसाइकिल जुमला कीमत लगभग 80,000 रुपए जब्त किया गया। देश में बढ़ते कोरोना वायरस के आंकड़ों ने फिर लोगों की चिंता बढ़ा दी है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी बढ़ता कोरोना केस के कारण फिर बंदी से लौटने लगी। राज्य सरकार ने कोविड-19 से बचाव के लिए फेस मास्क एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग की अनिवार्यता के आदेश जारी किए हैं। दुर्ग में पुरगांव थाना क्षेत्र के ग्राम चंदखुरी में स्थित श्रद्धा राइस मिल के बारदाना गोडाउन में सोमवार दोपहर आग लग गई। बोरा गोदाम में आग लगने से उसने बुझाने कई घंटे लग गए। आग से 11 लाख रुपए अधिक का नुकसान बताया जा रहा है। रायपुर के एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट की टीम ने मुखबिर की सूचना पर उरला क्षेत्र अंतर्गत रिंग रोड नंबर 2 स्थित सरोरा चौक के पास पिस्तौल रखकर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे एक व्यक्ति को पकड़कर उसके पास से पिस्तौल व जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। रायपुर में कबीरनगर इलाके में नकटा तालाब के पास मिली एक लाश के मामले को सुलझाकर पुलिस ने आरोपी को गोंदिया से गिरफ्तार कर लिया है। हत्या का कारण आरोपी की पत्नी से मृतक का प्रेम संबंध था। झारखंड निवासी युवक द्वारा शादीशुदा व एक बच्चे का पिता होने के बाद भी जसपुर की युवती से शादी कर उसे दहेज में 30 लाख रुपए व फर्नीचर की मांग करने तथा घर से निकालने वाले आरोपी को जसपुर की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दुर्गा चौक रावणभाटा में बोरी में गांजा रखकर ग्राहक की तलाश कर रहे युवक गोलू साहू को पकड़कर उनके पास से गांजा जब्त किया है। नक्सलियों ने दंडकारण्य बंद का ऐलान किया जिससे लेकर 4 नक्सली सुकमा के झीरम घाटी में पर्ची और पोस्टर लगा रहे थे, तभी सीआरपीएफ के 227 व पुलिस बल ने उन्हें पकड़ लिया। इस दौरान उनके पास से नक्सली पर्चे बरामद हुए। पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश किया गया जहां से सभी को जेल भेज दिया गया है। मुखबिर की सूचना पर राजनांदगांव जिले की खड़गांव पुलिस की टीम ने वलांचल के ग्राम उस्माल में रेड कार्रवाई की और आरोपी उस्माल पटेल द्वारा निवासी धनेश टाडेकर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से पुलिस 70 लीटर कच्ची मोमो शराब भी बरामद की है। बिलासपुर में तखतपुर के वार्ड क्रमांक 4 निवासी युवक के शादी में गए घर को सूना पाकर चोरों ने बर्तन पार कर दिए। मामले में पुलिस ने चोरी के 3 आरोपों सहित आबचारी बालक को बर्तन सहित गिरफ्तार किया है। आरोपी चोरों को जेल भेज दिया गया।
कोरबा जिले में उर्गा में संचालित एक धर्मकांडा की जांच करने पहुंचे नापतोल विभाग के एक निरीक्षक के साथ भाजपा नेता गोपाल मोदी व उसके भांजे समेत एक अन्य ने धक्का मुक्की की। इस घटना में निरीक्षक के सिर पर चोटें आई हैं। रायगढ़ जिले में लैलुंगा थाना क्षेत्र में जार आमा गांव में रहने वाले पिता पुत्र ने परिवार के सदस्य को आपसी रंजिशवश जमीन विवाद पर सुनियोजित तरीके से हत्या करने के इरादे से लहूलुहान कर पुलिया के नीचे फेंक दिया था। इस प्रकरण में लैलुंगा पुलिस ने करीब 8 माह बाद पिता पुत्र को हत्या के प्रयास के मामले में जेल भेजा गया है। जगदलपुर के नगरनार पुलिस की टीम ने उड़ीसा छत्तीसगढ़ सीमा के धनकुंजी इलाके से सोमवार को कार से 60 किलो गांजा बरामद कर दो युवकों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से जब्त गांजे की कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई गई है। बड़ौदाबाजार में सोमवार सुबह हाथी ने एक श्रमिक को पटक पटक कर मार डाला। श्रमिक वन क्षेत्र में फेंसिंग करने के लिए जा रहा था, इसी दौरान हाथी ने उस पर हमला कर दिया। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रोजगार और पुनर्वास की मांग को लेकर भू विस्थापितों ने कोरबा जिले की कुसमुंडा खदान में बरकुटा फेस पर धरना प्रदर्शन किया। मिट्टी खनन में लगी गाड़ियों को रोककर हंगामा भी किया। कांकेर पुलिस ने अवैध शराब बेचने का कारोबार करने वाले को पकड़ा है। अवैध रूप से बिक्री के लिए शराब का परिवहन कर रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 12 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की है। गरियाबंद जिले के वन परिक्षेत्र पांडुका अंतर्गत जारा गांव रवेली में हिरण के शिकार का मामला सामने आया है। किसी अज्ञात ने हिरण का शिकार तीर से किया जिससे हिरण की मौत हो गई। इस मामले में आरोपी को अभी पकड़ा नहीं जा सका। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए डॉग स्क्वाड व वन विभाग की टीम जुटी हुई है। सोमवार की रात करीब 9:30 बजे दो गुट बिलासपुर की सिविल लाइन पुलिस के सामने ही लड़ते रहे और पुलिस ने उन्हें छुड़ाने का काम करती रही। मामले में सिविल लाइन पुलिस ने एक पक्ष के खिलाफ जुर्म दर्ज कर लिया और दूसरे पक्ष पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आवासीय क्षेत्र में बच्चों के स्कूल के पास ही नए स्थान पर शराब दुकान प्रस्तावित किए जाने से महिलाओं सहित नागरिकों में आक्रोश व्याप्त है। आक्रोशित नागरिकों ने SDM नगर पंचायत के CMO एवं थाना प्रभारी के नाम से ज्ञापन देकर प्रस्तावित स्थल पर शराब दुकान नहीं खोलने का आग्रह किया है। जिला न्यायालय परिसर दुर्ग में हथकड़ी से हाथ निकालकर लूट के मामले का विचाराधीन बंदी के भागने के मामले में आरक्षक भरत सिंह और चंद्रहास साहू को निलंबित कर दिया गया है। SSP BN मीणा ने दोनों को निलंबित करके लाइन अटैच कर दिया। BSP टाउनशिप क्षेत्र में अवैध कब्जेधारियों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले तोड़फोड़ दस्ते के कर्मी को धमकाने का एक और मामला सामने आया है। इसमें लिखित शिकायत पर भिलाई नगर थाने में की गई है। सेना से सेवानिवृत्त और वर्तमान में 69 अस्पताल में प्राइवेट गार्ड का काम करने वाले पिता ने अपने ही 3 मासूम बच्चों को घर के भीतर कैद कर रखा था। पड़ोसियों की शिकायत पर व्यवसायी नगर गोल मार्केट स्थित EWS कॉलोनी पहुंची चाइल्ड लाइन की टीम ने तीनों बच्चों का रेस्क्यू किया। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने कहा कि राजधानी रायपुर का जिला अस्पताल मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में विकसित होगा। उन्होंने पंडरी अस्पताल पहुंचकर वहां स्वास्थ्य सेवाओं का अवलोकन कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने दवाई स्टोर, डायलिसिस सेंटर, हमर लैब, माइक्रोबायोलॉजी विभाग सहित अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया।